डॉक्टर सैरिश असगर साहिबा जी, अदर डिग्निटरीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि एक डीसी साहिबा हमारे गांव में आई हैं पब्लिक मीटिंग के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, मेरे कुछ पॉइंट्स है। केरी टू लारीडोरा रोड, दिस रोड हैज़ बिकम हेल फॉर अस। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली पे अटेंशन। उम्मीद है कि आपको एसी कार में बैठ के भी इस रोड की जो बदतर हालत है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, एंड आई होप कि आपकी नोट्स में लाने के बाद, ये मेरा ड्रीम था मैडम, वी हैव इन्वाइटेड यू मैनी टाइम्स। हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स कराते हैं, वी हैव ए क्रिकेट ग्राउंड हियर, ऑल दो हम उसको क्रिकेट ग्राउंड मिनी स्टेडियम कहते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक बारी आज ना उसमें विजिट करें और आप अपनी आंखों से देखें, क्या वो ग्राउंड कहलाने के लायक है, क्या वहाँ पे खेलने के लायक है वो या नहीं, प्लीज़ आप खुद देख लीजिए। आज हमारे यहाँ पे एक हॉस्टल बनाया गया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर वहाँ आप उस हॉस्टल की हालत देखेंगे ना, प्रेजेंट कंडीशन, बाइगॉड आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उसकी हालत खंडर हो गई है, बिल्कुल खंडर। क्रिकेट ग्राउंड और हॉस्टल एक ही जगह है। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप 5 मिनट निकाल के वहाँ चले जाइए, आ जाइए प्लीज। तो एक और पॉइंट है मेरा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ये कहती है सेव यूथ सेव फ्यूचर, जब हमारा यूथ ही बर्बाद हो रहा है तो फ्यूचर कहाँ बनेगा हमारा। हम यूथ को बींग ए सपोर्ट्स पर्सन, हम यूथ को एंगेज करना चाहते हैं सपोर्ट्स की तरफ, बट वो ग्राउंड सपोर्ट्स के लायक नहीं है मेरा। यहाँ पे इरिगेशन का मसला है, अल्लाह के फजल से हमारा यहाँ पे जो इरिगेशन लैंड है वो काफ़ी है, 90% जो इरिगेशन का ये फील्ड है उसमें पानी सप्लाई है, मगर एक यहाँ पे हिस्सा है लगभग 10% 200 कनाल्स के आसपास, उसमें इरिगेशन का पानी नहीं है। आज ही से उसमें पानी की किल्लत होना स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इरिगेशन का वहाँ पे आप चेक कराइए। ये हॉस्पिटल का जो मैंने जिक्र किया, अभी प्रेजेंट में हमारा यहाँ पे एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी है विच इज़ रनिंग। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम वहाँ पे 11 बजे से पहले जाते हैं, डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। कुछ दिन पहले मैंने इकबाल साहब से फ़ोन पे बात की थी, वहाँ पे एक बच्चा गया था जो डायरिया हो रहा था, उल्टी आ रही थी, एंड दे रेफर्ड हिम टू द शेरी हॉस्पिटल। उन्होंने बोला डॉक्टर साहिबा नहीं है। मैंने उस पेशेंट को खुद अपनी गाड़ी में कैरी करके शेरी हॉस्पिटल में ड्रॉप किया, और आधे रास्ते में मैंने देखा डॉक्टर साहिबा 11 बजे पौने 11 बजे आ रही हैं। अगर मेरे पास माला होती तो मैं ज़रूर पहना था। मेन मार्केट में एक हमारा स्कूल है, उसके बगल में ट्रांसफार्मर है 400 kV का, तो मैं यहाँ पे पूरा दिन रहता हूँ मार्केट में ही, आई एम शॉपकीपर बाय प्रोफेशन। वहाँ पे हफ्ते में 2 से 3 बार उसकी एलटी लाइन गिर जाती है, और लकीली आज तक कोई बच्चा इंजर्ड नहीं हुआ है, बट मुझे ये डर है कि कभी ना कभी उस एलटी लाइन के गिरने से कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आपके अटेंशन से कंसर्न ऑफिशियल अगर उस पर ध्यान दे तो वो हादसा टल सकता है। चाहिए तो मैं लास्ट ईयर में अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक स्कीम दी गई थी, 15 अनएम्प्लॉयड यूथ को बुलाया गया था पर पंचायत, तो उसमें पंचायत वालों ने उस टाइम बोला था कि इसमें बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया जाएगा, मगर जब लड़कों ने अप्रोच किया, फॉर्म वगैरह फिल किए, बैंक के साथ कॉन्टैक्ट किया, तो बैंक वाले डिनाई कर रहे हैं, अगर आपको लोन लेना है तो 13% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं, आई होप समवन हैज नोटिस्ड।